21 में बोल रहा है, ऑन अक्टूबर 1, 2007, इंडियन लिमिटेड परचेज एन एसेट एट द कॉस्ट ऑफ 60,000। तो 1/10/2007 में हम लोगों ने एक एसेट खरीदा है 60,000। द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट 12% पर एनम ऑन WDV मेथड। हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं 12% WDV मेथड में। 31 दिसंबर 2008 में एसेट हम लोग सेल कर दिए 45,000। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो 1 अक्टूबर 2007 से हम लोग का शुरू, अच्छा, और हम लोग का साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2009। मतलब ये अप्रैल से मार्च वाला फिनेंशियल ईयर है। तो ये याद रखना होगा कि हम लोगों का साल खत्म कब होता है। एंडिंग हमेशा देख लेना। एंडिंग क्यों देख लेते हैं हम लोग? क्योंकि उसी डेट पे डेप्रिसिएशन दिया जाता है। तो इसको करेंगे कैसे? सिंपली किस डेट पे हम लोग एसेट खरीदे? 1 अक्टूबर 2007। तो जिस दिन पे भी एसेट खरीदे उसको यहां लिखेंगे, परचेज किए तो परचेज लिखेंगे, और पहला मशीन परचेज किए इसकी M1 हम लोगों ने कितने में खरीदा था? 60,000 में। क्लियर लिखा है, हम लोगों ने 60,000 में खरीदा था। डेप्रिसिएशन कब होगा? जिस टाइम पे फिनेंशियल ईयर एंड होता है, मतलब 31 मार्च। तो अक्टूबर के बाद 31/3 और ईयर चेंज हो जाएगा 2008। अक्टूबर के बाद मार्च आ जाएगा, मार्च आएगा तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 12%। तो 60,000 का 12% डेप्रिसिएशन होगा। पर मंथ भी कैलकुलेट करेंगे, कितना मंथ होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ्स। तो 60,000 के ऊपर 12% इंटू 6/12, जितने मंथ के लिए रहेगा उतना मंथ भी कर लेंगे, तो ये आएगा 3600। लेस करके कितना आएगा? 56,400। ये 1408 मार्च का ठीक नेक्स्ट डे डाल देंगे, इस दिन पे इतना बैलेंस बचा। अब हम लोगों को सम में क्लियरली बोला था कि हम लोगों ने बेच दिया है 31 दिसंबर 2008 को। तो 31 दिसंबर 2008 को बेचने के पहले हमेशा डेप्रिसिएशन देकर बेचेंगे, सीधे मत बेचना, पहले हमेशा डेप्रिसिएशन देना और उसके बाद बेचना। तो डेप्रिसिएशन देंगे वही 12%, WDV है तो हर बार जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 12%। तो 56,400 के ऊपर 12%, और कितना महीना यूज हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 9/12। तो आ जाएगा 5076। तो डेप्रिसिएशन दे दो। अब इसको हम लोग बेचेंगे, सोल्ड। ये क्या निकाले? आज इसका वैल्यू कितना है? जिस दिन हम लोग उसको बेचने जा रहे हैं उस दिन उसका वैल्यू कितना है? इतना। पर हम लोग इसको बेच कितने में रहे हैं? 45,000 में। तो प्रॉफिट होगा या लॉस? डेफिनेटली लॉस होगा, ठीक है? और लॉस कितने का होगा हम लोग को? सिक्स 6,324 का, ठीक है? तो इसका ऑप्शन होगा ए। भले सब में प्रॉफिट पूछा है पर हम लोग का लॉस भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें।